नमस्कार मित्रों, गुज खबर में फरी एक बार आप सर्वे मित्रों स्वागत है। मित्रों आज ना एक के एक समाचार तमारा माटे रसप्रद रहेवाना छे, तो मित्रों फटाफट वीडियो ने लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब करवानू न भूलता। तो सूरतीय माटे वधु एक सारा समाचार आया है। सूरत में एर एशिया की फ्लाइट शुरू करवामां आवी छे। आ फ्लाइट की लीली झंडी सी आर पाटिल हस्ते आपवामां आवी हती। आ दरमियान पाटिले महत्वनुं निवेदन आपता कह्युं कि डायमंड बुर्स हवे तैयार थई गयुं छे, आवनारा समय में तेनुं उद्घाटन करवामां आवशे। आ उद्घाटन कार्यक्रम देशना प्रधानमंत्री हस्ते करवामां आवशे, जो कि डायमंड बुर्स ने लईने आंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पण वधशे। तो बीसीसीआई द्वारा एक मोटो निर्णय लेवामां आव्यो छे। आज थी महिलाओं माटेनी वर्ल्ड प्रीमियम लीग टूर्नामेंटनो प्रारंभ थवानो छे। त्यारे महिला प्रेक्षकों माटे कोईपण चार्ज लेवामां नहीं आवे। स्टेडियम में जवा माटे महिलाओंनी टिकिट माटे कोईपण पैसा लेवामां नहीं आवे। जो कि पुरुषों माटे 100 रुपया थी लईने 400 रुपया में टिकिटनो भाव राखवामां आव्यो छे। अने आ रकम कोईपण वय जूथनी महिलाओं ने चूकवा पात्र नथी। बोर्ड द्वारा तेने सारो एवो निर्णय मानवामां आवे छे। अने आ टूर्नामेंट आज थी एटले के 4 मार्च थी लईने 26 मार्च सुधी चालशे। तो वडाप्रधान अने राष्ट्रपति भवन पर हुमलानी धमकी आपवामां आवी छे। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट पर बॉम्ब होवानी धमकी मिली छे। गोदीथी एरपोर्ट डायरेक्टर ने मळेला पत्र में वडाप्रधान, राष्ट्रपति भवन और देशना घणा बधा महत्वना स्थळों पर ड्रोन हुमलानी वात करवामां आवी छे। मामलो सामे आवता वाराणसी पोलीसे अजाण्या शख्स विरुद्ध केस नोंधीने तपास पण शुरू करवामां आवी छे। धमकी भर्यो पत्र कोणे मोकल्यो हतो ते तपास हजी पण करा रही छे। त्यारे गुप्त एजेंसी पण एलर्ट मोडमां आवी गई छे। अमदावाद में खानगी बसों प्रवेश अंगे फरीवार एक मोटो फेरफार कर अमदावाद में खानगी ट्रावेल्स जाहरनामा में 2004 बाद प्रथमवार फेरफार थयो छे। शहर कमिश्नर डीसीपी सफन हसने ट्रावेल्स विभाग साथ बैठक कर बाद आ मोटो निर्णय कर्यो छे। त्यारे नवा जाहरनामा में रात्र 10 वाग्या थी लईने सवारे 8 वाग्या सुधी ज बस ने मंजूरी आपवामां आवी छे। अगाउ शहर में रात्र 11 वाग्या थी सवारे 7 वाग्या सुधी ज प्रवेश आपवामां आव्यो हतो। त्यारे हजी पण ट्रावेल्स एसोसिएशने रात्र 9:30 थी लईने सवारे 8 वाग्या सुधीनी प्रवेशनी मांग करी छे। तो गुजरातना वातावरण में 2 दिवस में ज मोटो फेरफार नोंधाशे। हवामान विभाग द्वारा तारीख 5 અને 6 માર્ચ रोज कमोसमी वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, जेमां शियाळा अने उनाळानी डबल ऋतु वच्चे हवामान विभागे करेली मावठानी आगाही वच्चे अंबाजी पंथकना वातावरण में बपोर बाद पण पलटो जोवा मळ्यो छे। दिवस दरमियान भारे गरमी बाद हळवा वरसादी झापटा पड्या हता, जो कि वातावरण बदलाता खेडूतोनी अंदर चिंताना माहोल छवायो छे। होळीना तहेवार उपर खाद्यतेलनी मांगमां वधारो थवा छतां तेना भावमां घटाडो जोवा मळी रह्यो छे। विदेशी बजारमां तेलना भाव घटवा अने बम्पर आवक थवाने कारणे खाद्यतेलना भावमां घटाडो नोंधायो छे। तेना कारणे सरसवनुं तेल रुपया 170 रुपयाथी घटीने 140 रुपया प्रति लीटर थयुं छे। तो रिफाइंड सोयाबीन तेल रुपया 145 रुपया घटीने 120 रुपया प्रति लीटर थयुं छे। अने सूर्यमुखी तेल रुपया 140 થી ઘટીને રૂપિયા 120 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થયું છે। तो होळी अने धुळेटीनो पर्व उजवा वतन जता लोको माटे विशेष बसों दौड़ावामां आवशे। होळी पर्व निमित्ते वधारना ट्राफिक तेमज मुसाफरोने वधारे सुविधा मळी रहे ते हेतुथी गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम द्वारा वडोदरा विभागने वधारानी बस फाळवानो निर्णय करवामां आव्यो छे। 3 માર્ચ 2023 થી 7 માર્ચ 2023 સુધી વડોદરા વિભાગના તમામ ડેપો ઉપરથી સરકારી બસના એક્સ્ટ્રા સંચાલનનો નિર્ણય જીએસઆરટીસી દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે।